समझाने की कोशिश करता हूं. सिंपल सी लाइन है, इफ यू वांट टू बिकम रिच फाइंड समवन हु इज रिच एंड डू व्हाट इज डूइंग वन डे यू विल बी रिच. सिंपल सी लाइन है, जे पॉल गेट्टी का लाइन है ये. इसको समझने के लिए कोई पीएचडी करने का जरूरत नहीं है, कुछ एमबीबीएस होने का जरूरत नहीं है, कुछ एमडी होने का जरूरत नहीं है. सिंपल फिलॉसफी है, आगे बढ़ने की तरीके सिंपल हैं, घुमावदार नहीं है. सिंपल तरीके समझना मुश्किल होता है बस. जे पॉल गेटी कहते हैं अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो ऐसे आदमी को देखिए जो पैसा कमा रहा है, और वो कहिए जो वो कर रहा है, एक दिन आपको भी पैसे आने. मान लेते हैं यहां चार शावर लगे हैं, चार है ना, चार शावर लगे हैं और चार लोग नहा रहे हैं मस्त, और आपको भी अपने बाल गीले करने हैं, क्या करना होगा? सिंपल है ना यार, इसको समझने के लिए क्या पीएचडी करना पड़ेगा? इफ यू वांट टू बिकम रिच फाइंड समवन हु इज रिच एंड डू व्हाट ही इज डूइंग वन डे यू विल बी. ये तो सिंपल है ना यार. अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो किसी ऐसे आदमी की तरफ देखिए जो पैसा कमा रहा हो, और वो करिए जो वो कर रहा हो, एक दिन आपके पास भी वही संपन्नता होगी जो जे पॉल गेट्टी का. दूसरे कोट के साथ मैं आपको इसको और समझाने की कोशिश करता हूं. जे पॉल गेट्टी क्या बोलते हैं? जे पॉल गेट्टी बोलते हैं, आई रादर हैव 1% ऑफ द एफर्ट 100% देन 100% ऑफ माय ओन एफर्ट. मैं 100 लोगों से 1% काम कराना पसंद करूंगा बनस्पत की मैं 100% काम करूं. बड़ा सिंपल सा कोट है. यहां पर शुरू होती है नेटवर्क मार्केटिंग. तो ऊपर वाले कोट को लेकर चलते हैं. इफ यू वांट टू बिकम रिच फाइंड समवन हु इज रिच. क्या आपको आज तक कोई ऐसा नहीं मिला जो रईस हो? फाइंड समवन, क्या लिखा है? फाइंड समवन. आपको कोई मिला है जो रईस है? हां, आप फाइंड कर लिया, आप देखो कि साला क्या कर रहा है. और आपकी इस देश के कुछ रईस लोगों की जन्म कुंडली में आज लेके आए हैं आपके लिए. अरे देखते हैं ना, आंख खोल के देखते हैं कि साला लोग क्या कर रहे हैं. जन्म कुंडली खोलते हैं आज कुछ लोगों की, देखो व्हाट रिच पीपल आर डूइंग वर्ल्ड वाइड. इस दुनिया में रईस लोग क्या कर रहे हैं, देखो ये कौन है? रईस है कि गरीब है? हाँ ना बोलो, रईस है कि गरीब है? भारती मित्तल रईस है. ये कौन है? रईस है कि गरीब है? जल्दी बोलो तो. ये रईस है कि गरीब है? जल्दी बोलो तो. जियो, टाटा स्काई, डिश टीवी. व्हाट रिच पीपल आर डूइंग, व्हाट दे आर डूइंग? दे आर डूइंग अ वेरी सिंपल बिजनेस. दे आर क्रिएटिंग अ पाइपलाइन. अदानी क्या कर रहा है? आपके घर से भारत पेट्रोलियम के सिलेंडर उसने निकाल दिए हैं. 50% के लोगों के घरों में पाइपलाइन 4 इंची का बिछा चुका है वो. डिश टीवी ने केबल टीवी उड़ा दिया आपके घरों से. डिश पहुंच गई इधर, टाटा स्काई इधर डिश टीवी, है ना. पहले केबल चलता था, 100 रुपए की काली तार लेते थे तुम, और इतने कलाकार हो एक ही काली तार से 5 टीवी चलाए तुम लोगों ने लंगर डाल डाल के. हमको पता है क्योंकि हमने. अरे आदमी तो वही बात करेगा ना जो उसने किया होगा. मैंने ये नोट किया है, जब भी मैं अपनी गरीबी की बात करता हूं तुमको प्रसन्नता बड़ी होती है, खुल जाते हो. हमारी तरह है आदमी भाई. क्या किया अदानी ने? सिंपल फिलॉसफी अपनाई. उनका फिलॉसफी बड़ा सिंपल है दोस्तों, कि उन्होंने आपके घर से सारे लाल सिलेंडर हटा दिए. 50% लोगों के घरों से सिलेंडर हट चुके होंगे. कितने लोगों के घर में पाइपलाइन आ गया है जिससे गैस चलता है? बहुत सारे लोग हो गए हैं. 500 रुपए 600 रुपए का आपका बिल आता होगा महीने का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. इतना ही आता होगा है जी? 500 रुपए 400 रुपए 600 रुपए 300 रुपए कुछ बना भी लिया करो. 300 रुपए भाई, मैंने कल चेक काटा है 1632 रुपए का. तू 300 बोल के डरा रहा है मुझको? मैं घर में बोलूंगा क्या बनाते हो इतना. दे ऑल आर क्रिएटिंग पाइपलाइन माय डियर फ्रेंड्स. डिश टीवी ने आपके घर से केबल उड़ाया और डिश एंटीना लाके ऊपर आपके टांग दिया. और देखिए इन सब में एक बात कॉमन है, आप समझने का कोशिश करिए इन सब में क्या कॉमन है. इन सब में एक बात ये बड़ी सिंपल कॉमन है, ये ह्यूज पैसा कमाने में इंटरेस्ट नहीं रखते. ये छोटा पैसा लाखों करोड़ों लोगों से कमाने में इंटरेस्ट रखते हैं. ये इस बात पे इंटरेस्ट नहीं रखते कि एक ही फ्लैट बेचो 1 करोड़ कमा लो. ये इस बात पे इंटरेस्ट नहीं रखते कि एक ही आदमी से 10 लाख कमा लो. इनका फंडा बड़ा सिंपल है कि 100 लोगों से 1 रुपया कमाना आसान है, बनस्पत 1 आदमी से 100 रुपए कमा जाए. इनकी फिलॉसफी बड़ी सिंपल है और इन सबकी फिलॉसफी एक जैसी है. एयरटेल के पास 20 करोड़ कनेक्शन होंगे, अदानी के पास 10 करोड़ कनेक्शन होंगे, जियो 40 करोड़ का टारगेट है, 2.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट. माई डिफरेंस 2.5 लाख करोड़ रुपए लगाए अंबानी ने. अच्छा मुझे बताओ अंबानी पागल है?
गधा है, नालायक है, उल्लू है, पढ़ता पढ़ता नहीं है, नालायक है. अच्छा, 2.5 लाख करोड़ रुपए लगा दिए ये करने के लिए कि तुमसे हर महीने 133 रुपए ले सके. कितना मांग रहा है तुमसे? 399 रुपए फॉर 3 मंथ्स, यानी 133 रुपीज अ मंथ. तुमसे सिर्फ 133 रुपए मांगने के लिए उसने 2.5 लाख करोड़ रुपए लगा दिए. पागल नहीं है वो? पाइपलाइन बिछा गया है अपने बच्चे अनंत के लिए. वो कह रहा है मैं रहूं ना रहूं बेटा 150 रुपए लेता रही हूं हर महीने इससे. उसका फंडा बड़ा सिंपल है. वो पाइपलाइन बिछा गया है. और मैं आपको बता दूं, आज अगर आप रिलायंस जियो का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी प्लानिंग 10 बरस से चल रही होगी. ऐसा नहीं होगा कि 2016 में आपके हाथ में जियो आया या 17 में आया तो 17 में ही अंबानी की खोपड़ी में आया होगा. नहीं नहीं, हो सकता उसने वो पाइपलाइन 2005 से बिछानी शुरू की हो, 2006 से शुरू हुई हो, 2007 से शुरू की हो, 2008 से शुरू की हो. बड़े बड़े लोगों का एक ही फंडा है, 10 साल के बाद रेगुलर पैसे कैसे आएंगे इसके बारे में सोचना शुरू कर दो बस. 10 साल के बाद आप पैसिव अर्निंग कैसे कमाओगे इसके बारे में सोचना शुरू कर दो. इन सब का एक ही फंडा है. देखो, अब तुम्हारे घर में अदानी का गैस चले, चाय बने, उसको पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? अब अदानी अगर सक्षम ना हो काम करने में, या वो छुट्टी पे चला जाए, पैसे आएंगे कि नहीं आएंगे यार? बीमार हो जाए, पैसे आएंगे कि नहीं आएंगे यार? उसके घर में कोई ना रहे, जनरेशंस को पैसे आएंगे कि नहीं आएंगे? आपको जान के हैरानी होगी. इन सारी कंपनियों को आप कुछ ना कुछ देते हो, देते हो कि नहीं? इनके नेटवर्क में हो कि नहीं? आप सबके नेटवर्क में हो, साला तुम्हारे नेटवर्क में कोई नहीं. तुम किसी को 200 रुपया देते हो, किसी को तुम्हारी तनख्वाह आए सही, ये बैठे हैं ऊपर कह रहे हैं बच्चे को चॉकलेट बाद में, बेटा पहले रिचार्ज करा ले, बंद कर देंगे तेरा मामला. तूने अगर देखना है ना डोरेमोन तेरे बच्चे ने, तो पहले वो छोटा रिचार्ज करा कि बड़ा? अपने को पैसे पहले चाहिए. आपकी तनख्वाह का हिस्सेदार है ये, आपकी मेहनत का हिस्सेदार है. आप किनकी मेहनत में हिस्सेदार हो, ये सवाल आज अपने आप से पूछना कि तुम्हारे को किसी और के काम करने से पैसे आ रहे हैं या नहीं आ रहे. और अगर नहीं आ रहे तो यू हैव टू मेक सम पाइपलाइन टुडे. आज आपको पाइपलाइन बनाने की दिशा में काम करना चालू करना चाहिए. और मैं आपको बता दूं एक शब्द जिसने बेड़ा गर्क किया हिंदुस्तान का, और वो है ये. देखो, ये देखो, ये तो चीन वाला बिजनेस है जी. नॉट माई टाइप, नॉट माई टाइप, नॉट माई कप ऑफ टी. आई एम वर्किंग इन MNC ऑन अ पैकेज ऑफ 15 लाख रुपीज. नॉट माई टाइप. चेन स्कीम मेंबर. नो नो, सुना है आपने ऐसा शब्द? रोजाना सुना है. चेन वाला बिजनेस है यार. देखो, इतने बेवकूफ लोगों से पाला पड़ा है मेरा अपने इस छोटे से जीवन काल में कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इनका क्या करूं. और इनकी फिलॉसफी में इतनी गरारी अटकी है, इनकी एक ही कहानी इतनी जबरदस्त खराब है कि इनको समझ ही नहीं आ रहा कि ये कुएं की तरफ ही जा रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि हम राजा हैं. चीन वाला बिजनेस है बोले ये. और ये जब आप किसी को नेटो मार्केटिंग रिप्रेजेंट करते हैं आपके पड़ोस में, आपके सर्कल में, आपके रिश्तेदारी में, इवन आपके घर में, तो पहला शब्द ही निकलता है, चेन वाला है. चेन है, चेन. हम ना बनाएंगे, हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए, हम नहीं करेंगे, चेन वाला है ना, खोपड़ी में ये बैठता है. मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि चेन वाला बिजनेस किसको बोलते हैं, और जो लोग चेन वाला बिजनेस करते हैं उन्होंने किया क्या है. मैकडोनल्ड इज अ चेन ऑफ फूड चेन. क्या बोलेंगे? चेन ऑफ मैकडोनल्ड. यही बोलेंगे कि कुछ और बोलेंगे? हेलो, चेन ऑफ मैकडीज, चेन ऑफ मैकडीज. ऐसे ही शब्द का इस्तेमाल करेंगे कि नहीं करेंगे? चेन ऑफ मैकडोनल्ड्स, वर्ल्ड नंबर वन आउटलेट है सर. और देखिए इन लोगों ने किया क्या है. फाउंडेड इन 1954, 33,000 आउटलेट्स वर्ल्ड वाइड. 33,000 स्टोर है मैकडोनल्ड्स के ऑल ओवर वर्ल्ड. 89 बिलियन का सेल है, डॉलर्स की बात कर रहा हूं मैं आपसे. और इसने चेन बनाई है 33,000 लोगों की. हेलो,
35,000 चेन है जिनके, 35,000 मेंबर है, क्या बना रहा है ये? इसको कोई तकलीफ नहीं है। तुम्हारे सुरेश अंकल के पेट में दर्द है जब हम उसको बोलते हैं 15,700 दे दे और तूने चेन बनानी है। 7-11 सुन के ना मेरे नेस्विस के कुछ लोगों में ना गजब का उत्साह देखता हूं मैं। वो कह रहा है ये एग्जांपल क्यों दे रहे हो सर, फाउंडेड इन 1927, 55,000 आउटलेट, 16 कंट्रीज, 84 बिलियन ग्लोबल सेल, 55,000 आउटलेट पे बिकता है 7-11 में, ऑल ओवर वर्ल्ड, करीब करीब 16 कंट्रीज में ऑपरेट करता है, वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट फ्रेंचाइजी है, जिसको चेन बोलते हैं, चेन ऑफ 7-11 ऐसे ही बोलते हैं, चेन ऑफ सागर रत्न ऐसे ही बोलते हैं कि नहीं बोलते, बोलते हैं कि नहीं बोलते? यस, इस चेन का इस्तेमाल होता है, चेन ऑफ पीवीआर सिनेमास। इस शब्द का इस्तेमाल कहां होता है? बड़ी बड़ी कंपनियां इस्तेमाल करती हैं, इनके तकलीफ कोई नहीं है। देखो माय डियर फ्रेंड्स, फाउंडेड इन 1930, 18,000 आउटलेट्स, 115 कंट्रीज, 13 बिलियन रेवेन्यू। चेन वाले लोगों का काम दिखा रहा हूं मैं पहले तो आपको, मैं आपको दिखाना चाहता हूं 185 मिलियन लोग हफ्ते में एक बार केबीसी केएफसी का कमर्शियल देखते हैं, 185 मिलियन, 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। कैलकुलेट ऑन योर लैपटॉप, कैलकुलेट ऑन योर सिस्टम, कैलकुलेट ऑन योर मोबाइल फोन, 185 मल्टीप्लाई बाय 10 लाख। हर हफ्ते में एक बार वो देखते हैं लोग केएफसी का कमर्शियल, चेन ऑफ फूड कोर्ट, चेन का काम है। देखो ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि चेन किसको बोलते हैं। 42,000 आउटलेट है, 42,000 मेंबर बना चुके हैं देसी भाषा में। दिखाना चाहता हूं 1953 से 13,000 आउटलेट, 16 बिलियन का सेल, हर्ट्ज कार रेंटल, सुना ही नहीं होगा आपने, दुनिया की सबसे बड़ी रेंटल कंपनी है, ओला उबेर छोटी है बच्ची है। 1918 में बनाई गई, 11,000 आउटलेट वर्ल्ड वाइड, 40 मिलियन फोन कॉल आते हैं एक साल में, 40 मिलियन फोन कॉल जिसमें से 30 मिलियन कन्वर्ट होते हैं, 30 मिलियन फोन कॉल्स इन वन ईयर इज ओनली पॉसिबल थ्रू चेन सिस्टम इन योर लैंग्वेज। माय डियर फ्रेंड पिज़्ज़ा हट फाउंडेड इन 1958, 14,000 आउटलेट, 12 मिलियन का ग्लोबल सेल, 120 कंट्री में ऑपरेट करता है, और नीचे पीली लाइन लिखी है जो सच है, मेन रीजन फॉर टोमेटो प्राइस राइज इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में अगर कहीं टमाटर का रेट बढ़ता है तो उसका मुख्य कारण है ये पिज़्ज़ा हट, चेन वाला। इनको चेन वाले बिजनेस से कोई परहेज नहीं है और तुम्हारे पेट में दर्द है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कौन ज्यादा समझदार है, वो लोग जो अरबों रुपए लगा के चेन ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर खोल रहे हैं, या वो लोग जो 15,000 रुपए में उनको मौका मिल रहा है चेन वाला बिजनेस करने का, वो आज भी सोच रहे हैं 15,000 में मौका मिल रहा है आपको, 15,000 में फ्रेंचाइजी देने का मौका मिल रहा है।